अचानक देर रात मुनव्वर राना के घर पहुंची यूपी पुलिस तलाशी लेने पर परिवार के लोग नाराज। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का तथ्य दर्पण पर स्वागत करती हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यूपी पुलिस शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को रात करीब 2 बजे पुलिस हुसैनगंज के लाल कुआं स्थित FI टावर टिंगरा अपार्टमेंट में उनके फ्लैट पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी की। लखनऊ और रायबरेली पुलिस ने फ्लैट का कोना कोना छान मारा, लेकिन तबरेज घर पर नहीं मिला। तबरेज के परिवारजनों का कहना है कि पुलिस ने घर में जमकर तांडव किया और सभी के मोबाइल फ़ोन छीन लिए। पुलिस ने महिलाओं से अभद्रता भी की। रायबरेली सदर कोतवाल का दावा है कि 28 जून को हुई शायर मुनव्वर के बेटे तबरेज राना जानलेवा हमले का मामला फर्जी था। तबरेज ने खुद अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए अपने गोली चलवाई। रायबरेली पुलिस ने तबरेज की तरफ सर दर्ज कराई दी है। मुकदमा उल्टा तबरेज राणा को ही मुलजिम बना दिया। इसी मुकदमे में तबरेज की गिरफ्तारी को लेकर रायबरेली पुलिस ने गुरुवार रात छापेमारी कर दी है और उनके परिवारजनों का कहना है कि पुलिस ने काफ़ी अभद्रता से बात की है। खैर, आपके इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।